तो इस तरह के फॉल्ट को रिमूव करने के लिए आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से ट्रेस करना आना चाहिए, और आप वीडियो भी पूरी देखा कीजिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक पीसीबी रखा हुआ है, यह सैमसंग का है, पूरा हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। हम इसको ऑन करके देखते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले है, और यहाँ से हम इसे ऑन कर देंगे तो कंप्लीट हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और UVW टेस्टर भी हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, ये हो चुका है। इसमें एरर आता है तो हम देखेंगे कौन सा एरर इसमें आता है, थोड़ा सा वेट करना होगा एरर आने का। यह डिस्प्ले यहाँ रखी है, कम्युनिकेशन हमने इसका कनेक्ट कर रखा है यहाँ से, इसके साथ इसका कनेक्टर नहीं आया था तो यहाँ से हमने दो वायर अलग से शोल्डर कर दिए इसमें। ये इसके सेंसर्स हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ दो वायर कनेक्ट कर दी हैं। थोड़ी देर में इसका एरर आएगा, हमने इसमें भी मोटर लगा दी है ताकि आउटपुट देने की कोशिश करे तो हमें पता चले और इसकी प्रॉब्लम पता चले। तो आप देख सकते हैं इसमें एरर आ चुका है और E101 का एरर इसमें आ रहा है। आउटडोर मोटर भी नहीं चली है, कोई भी आउटपुट भी इसने नहीं दी है और E101 का एरर इसमें आया है। तो यह एरर साथियों कम्युनिकेशन का है। आज हम इस PCB के कम्युनिकेशन एरर के बारे में आपको बताएंगे, आपको कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये DSO है और हमने इसकी प्रॉब को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, मल्टीमीटर की प्रॉब इसमें काट कर लगा दी है, ऐसे हमें ठीक लगता है इसे यूज करना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन वाला बोर्ड है तो इसमें हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे। अभी साथियों हम यहाँ सीधा कम्युनिकेशन की पिन पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पल्स मिल रही है, रिवर्स लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पल्स मिल रही है लेकिन यह पल्स सिर्फ हमें ऊपर की तरफ मिल रही है, दोनों एक साथ नहीं मिल रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। यह वाली आप देख सकते हैं इसमें ट्रांस रिसीवर IC है कम्युनिकेशन के लिए, यह इसमें ट्रांस रिसीवर IC है और यह लॉजिक गेट है, OR गेट IC है। इन दोनों में से कुछ ख़राब हो सकता है क्योंकि सिग्नल दोनों तरफ नहीं आ रहे हैं। एक प्रॉब हम अपनी ग्राउंड पर रखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। यह इस IC की इनपुट आउटपुट पिन है साथियों, यहाँ से डाटा इन होता है और यहाँ से डाटा आउट होकर माइक्रो कंट्रोलर में जाता है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि हमें कुछ मिल रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पल्स मिल रही है बार बार। और सेकेंड नंबर पिन चेक करेंगे, 2 नंबर पिन, यहाँ हमें कोई भी पल्स नहीं मिल रही है। और यहाँ हम चेक करेंगे तो यहाँ हमें पल्स मिल रही है, यह दोनों पिने ड्राइवर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए हैं। 2 नंबर पर 0 रिसीव होने पर यह एक्टिव हो जाएगा और 3 नंबर पर हाई रिसीव होने पर यह आउटपुट ड्राइवर एक्टिवेट हो जाएगा। यह इस IC की इनपुट पिन है, MCU सेंड करेगा तो इस पिन से यह डाटा सेंड होगा। तो यहाँ पर हमें पल्स नहीं मिल रही है, सिर्फ ये ड्राइवर आप देख सकते हैं यहाँ एनेबल पल्स मिल रही है लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी पल्स नहीं मिल रही है अभी। और आप देख सकते हैं यह वाली OR गेट IC है, OR गेट, इसमें 4 OR गेट हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहेंगे तो यह इनपुट और यह आउटपुट होता है।
यह काम कर रही है। इसकी यह दो इनपुट और यह आउटपुट है। तो यहाँ पर यह कुछ भी काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर हमें लो हाई मिल रहा है। यह पिन लो हाई हो रही है और इसको देखते हैं हम कहाँ कनेक्ट है। बोर्ड को हम ऑफ करते हैं, पहले इनके कनेक्शन चेक करते हैं। यह आप देख सकते हैं मल्टीमीटर है और हम इसे रेजिस्टेंस मोड पर लगा लेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर पिन को चेक करेंगे, ये यहाँ कहीं कनेक्ट है क्या। तो यह तो VCC होनी चाहिए, यह इसकी इनपुट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ यह कनेक्ट है, 13 नंबर पिन के साथ यह कनेक्ट है। और यह हम चेक करेंगे कहाँ कनेक्ट है, यह वाली 4 नंबर पिन। तो ये फिर यहाँ कनेक्ट होनी चाहिए, यहाँ कनेक्ट है। यह जो और गेट है इस गेट का, यह आउटपुट है 8 नंबर पिन। 9 और 10 इनपुट हैं, तो इसकी आउटपुट जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर कनेक्ट है। और इसकी इनपुट वाली पिन में इसका मतलब हमें रिसीव नहीं हो रहा है डाटा। इनपुट में रिसीव होगा तब यहाँ पर जाएगा। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है, ऑन करते हैं वापस से। ऑन हो चुका है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे गेट की इनपुट में तो यह लो हाई हो रही है। और यहाँ पर हमें ये इस तरह का इनपुट में डाटा रिसीव हो रहा है, यह पल्स पूरी नहीं बन रही है। तो यह आईसी पहले हम बाहर निकालेंगे, गेट आईसी, और फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर कैसी पल्सेस हमें मिलती हैं। हम ये पिन शोल्डर कर देंगे ताकि ये जल्दी निकल जाए SMD से निकालने पर, और फिर हम इस आईसी को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं शोल्डर करने से यह जल्दी निकल जाती है आईसियाँ। तो अभी साथियों हम दोबारा से चेक करेंगे इसमें सिग्नल सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राउंड रखेंगे हम 5 नंबर पिन पर। यह ट्रांस रिसीवर आईसी है और इसका नंबर है VPB8082। तो यहाँ पर तो अभी नहीं चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। तो अभी साथियों आप देख पा रहे हैं कि सिग्नल बीच बीच में इसमें आ रहे हैं, लेकिन उसी तरह से थोड़े से आ रहे हैं, फुल एम्पलीट्यूड में नहीं आ रहे हैं। आईसी हमने निकाल दी है, फिर और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है देखते हैं। ऑफ कर देते हैं हम और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाते हैं। ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट हैं। तो दोनों में सेम सिग्नल इसलिए दिखाई देते हैं और एक पिन की पल्सेस नहीं दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वाली पिन यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से जाती हुई ये यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ रही है और फिर यह इस पिन पर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आ रही है, और जो इसकी दूसरी पिन है डेटा पिन, वह यहाँ से जा कर के यहाँ पर आ रही है।
पिन दोनों दूर दूर हैं, आपस में शॉर्ट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल जैसा नहीं लग रहा है। तो हम इसके प्रिंट को ध्यान से एक बार ही देखेंगे, क्लीन करेंगे इसे। यहाँ से साथियों आप देख सकते हैं, यह दोनों प्रिंट यहाँ से जा कर के यहाँ से साथ साथ ही आ रहे हैं, और यहाँ इसमें कुछ लग नहीं रहा वैसे कि कुछ गंदा है। हंड्रेड ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है, बहुत अजीब है। यहाँ पर साथियों में कुछ ब्लैक ब्लैक लग रहा था, कुछ कार्बन जैसा यहाँ से, और ये पूरा प्रिंट ही हमने क्लीन किया थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्क्रैच किया है। तो अभी हम चेक करके देखते हैं, यहाँ से कुछ लग रहा था हमें, कुछ ब्लैक ब्लैक कार्बन जैसा, पता नहीं क्या था। और अभी हम इन दोनों पिनों को, तो आप देख सकते हैं अभी ये आपस में 100 ओम की शॉर्टिंग नहीं आ रही है, पता नहीं क्या लगा था यहाँ कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई थी। अभी इसको साफ़ करने से साफ़ हो गया। अब हम DSO में चेक करेंगे दोनों की पल्स अलग अलग मिलती है या नहीं मिलती है। तो बोर्ड हम ऑन करते हैं, और ब्लैक प्रॉब ग्राउंड पर रखेंगे, और आप देख सकते हैं बोर्ड ऑन हो चुका है, LED ग्लो हो रही है। सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करेंगे, आ रही है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि पूरी नीचे तक पल्स आ रही है। तो ये पल्स पहले थोड़े से एम्पलीट्यूड में दिखाई दे रही थी, पूरी पल्स नहीं आ रही थी। और इसमें देखेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप से यह अप डाउन हो रही है। अब हम इसकी यह लॉजिक गेट IC वापस से लगा देंगे। यह आप देख सकते हैं लॉजिक IC, ये सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट में प्रॉब्लम थी। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर प्रिंट में प्रॉब्लम निकली, इसको साफ़ करने से पल्स आई है, तो इसे हम लगा देते हैं, ये ठीक होनी चाहिए। और हम ये IC यहाँ पर लगा देते हैं। आप देख सकते हैं IC लग गई है। अभी साथियों हम चेक करेंगे ऑन करके सिग्नल सही आ गए क्या। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ग्राउंड लगाएंगे एक, और यहाँ पर हम चेक करेंगे सिग्नल। तो आप देख सकते हैं वापस से ये पल्स ड्रॉप हो गई है, पहले जैसे ड्रॉप हो गई है। हम फिर से चेक करेंगे, हमने यहाँ से साफ़ किया था तो ये प्रिंट ठीक हो गए थे। फिर से हम चेक करते हैं क्या हुआ है। रेजिस्टेंस पर लगाएंगे और फिर इन दोनों इनपुट पिनों को देखेंगे। यह जो लॉजिक गेट IC है साथियों, इसका नंबर 74HC86 है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस से ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है और रेजिस्टेंस ड्रॉप भी हो रही है। ये तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा करेंगे, प्रिंट कट कर देंगे, और प्रिंट कट करके हम डायरेक्ट यहाँ पर जम्पर देंगे, दोनों में से एक प्रिंट कट कर देंगे। तो प्रिंट कट करने के लिए हमें लेंस का यूज करना होगा। अभी साथियों आप देखेंगे तो एक तो हमने यहाँ से इसके प्रिंट को काटा, और एक हमने यहाँ से इसके नीचे से एक प्रिंट काटा, और एक ब्लैक वायर से जम्पर यहाँ से यहाँ सीधा लगा दिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से यह जम्पर सीधा यहाँ से जाकर यहाँ आ जाता है, इसके नीचे से हमने एक जगह से प्रिंट को काटा है, और एक जगह यहाँ से प्रिंट को काटा है ये।
और अभी हम देखते हैं ये शॉर्ट है या नहीं है। ये मल्टीमीटर है, क्योंकि यह वाला जो प्रिंट कट करने का काम था ये लेंस से करना पड़ा, माइक्रोस्कोप से या लेंस से कर सकते हैं, ऊपर कैमरा लगाकर नहीं होता है। अभी हम इन दोनों की रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 7 किलो ओम इनकी रेजिस्टेंस आपस में आ रही है। रिवर्स चेक करते हैं तो यह 12 किलो ओम रजिस्टर यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब अभी यह शॉर्ट नहीं हो रहा है। एक बारी हम इसको ऑन करके और DSO से कंफर्म करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसको ऑन कर दिया है, DSO भी ऑन हो गया है। वापस से हम यहाँ एक प्रॉब रखेंगे और यहाँ हम सिग्नल चेक करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरे, हाँ पूरे ही एम्पलीट्यूड में सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं 5 वोल्ट के एम्पलीट्यूड में। हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं कि अलग तरह के सिग्नल यहाँ पर हो गए हैं। जो हमारी जीरो लाइन है इसके ऊपर भी, यानी पॉजिटिव में भी सिग्नल जा रहे हैं, नेगेटिव में भी वोल्टेज जा रहे हैं, पल्सेज जो है वो अभी अलग तरह से जाने लगी हैं पहले के कंपेरिजन में। पहले आप देख सकते थे इसमें कैसी जा रही है, ये पहले वाला है, और अभी आप देख सकते हैं इसमें पल्स कैसी है, थोड़ा पास से दिखाएंगे। सिंपली हमने यहाँ कम्युनिकेशन वाली वायर पर DSO लगा रहे हैं, तो इस तरह की पल्स ये जा रही है। इसका मतलब IC ठीक थी, MCU ठीक था, प्रिंट शॉर्ट था, तो ऐसा भी हो जाता है साथियों। अभी हम देखेंगे कि यह आउटपुट देता है या नहीं देता है। यह आप देख सकते हैं UVW टेस्टर हमने इसमें लगा रखा है, और हम इसे ऑन करेंगे। इसकी डिस्प्ले कहाँ खो गई, हाँ अभी ये ऑफ है, तो हम इसे ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है, ये इसकी फ़ैन मोटर है, ये आप देख सकते हैं आउटडोर फैन मोटर है, और ये इंडोर फैन मोटर इसकी चल चुकी है। 24 अभी यहाँ पर आ रहा है, हम देखेंगे ये आउटपुट देता है या नहीं देता है। अभी साथियों आप देख सकते हैं इसने कंप्लीट आउटपुट दे दी है, और ये फैन मोटर भी चल गई है, लेकिन क्योंकि कंप्रेसर नहीं है तो ये बंद हो जाएगा। आउटपुट इसने कंप्लीट दे दी है अभी, और यह PCB ठीक हो चुका है। साथियों आपने देखा कि आउटडोर मोटर अभी भी चल रही है, इसको हम यहाँ रखते हैं, और कंप्लीट आउटपुट UVW टेस्टर में आ चुकी है। अभी इसने कोई एरर नहीं दिया है, पहले आपने देखा था E101 का एरर यह दे देता था तुरंत ही, और इसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को आपने देखा किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से इसको रिपेयर करते हैं। आप साथियों कमेंट करके बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।